मैनाथी क्षेत्र के ग्राम असालत नगर बघा में मुख्य रास्ते पर होने वाले जलभराव से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी रास्ते से होकर गांव के लोग कब्रिस्तान जाते हैं, उन्हें भी भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी गांव में आते हैं लेकिन समस्या का निराकरण कराने में किसी की रुचि नहीं है। इस संबंध में गांव वाले कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। असालत नगर बघा में मुख्य रास्ते पर जलभराव की समस्या काफी समय से है। एक तरफ तालाब बना हुआ है, इसी तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर रास्ते में भरता रहता है, जिससे रास्ता काफी खराब हो गया है और रास्ते में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इस सड़क से गांव के लोग तो निकलते ही हैं, साथ ही कब्रिस्तान तक जाने का मुख्य रास्ता भी यही है। ग्रामीणों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। हर मौसम में यहां पर जलभराव का नजारा देखने को मिलेगा। बारिश के दिनों में तो दिक्कत काफी बढ़ जाती है, घुटनों तक पानी भरा रहता है। मजबूरी में गांव वालों को निकलना ही पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए गांव के लोगों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कुछ नहीं हो सका, किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। उदासीनता के चलते गाँव वाले अब परेशान है। गांव के नौशाद मियां, इदरीस मियां, मोहम्मद फरकान, मोहम्मद सलमान आदि ने बताया कि वह समस्या को लेकर अब मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। समस्या निराकरण के लिए न अधिकारी ध्यान दे रहे हैं न जनप्रतिनिधि, आखिर कब तक उपेक्षा की जाती रहेगी। ग्रामीणों सलमान, मुकीम, कासिम, आलिम, फरकान, इदरीस मियां, अनीस मियां, नौशाद मियां आदि ने जलभराव को लेकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। पानी का हालत हो रही है, बीमार भी हो रहे हैं लोग, जनाजे भी काम को लेकर जाएंगे। बताओ कई बार पेपर भी दिया, अधिकारी आ गए, डीएम भी आ गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है आपको ये रास्ता हो जाएगा? भैया क्या पता होगा ना होगा, मैं तो देख रही हूँ। तुम्हारी क्या उम्मीद है? हो जाएगा, क्या नाम हो, होना जरूरी है। क्या बताओ समस्या? ये है सर, ये पानी वानी की वजह से बहुत दिक्कत है इस रास्ते में। मेन रास्ता यही है गांव का, और कब्रिस्तानों का भी यही रास्ता है मेन हमारे यहाँ का, तो इससे मस्जिद का भी सब कुछ, मतलब सबसे मेन रास्ता यही है और इस पर दिक्कत सबसे ज्यादा। कब से है ये समस्या? लमसम हो गए, 2.5 साल हो गए। ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान पल्ले भाई है, तोशिक प्रधान है। आपने शिकायत दर्ज कराई उनसे? शिकायत दर्ज कई बार करा दी उन्होंने, बोल रही थे। कहीं उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया आपने? सब कुछ दिया सर, सब कुछ है हमारे पास में। सब कई बार यहाँ अधिकारी भी आ चुके हैं, कुछ ना कर। अच्छा, क्या समस्या है बताओ? बस पानी की समस्या है। पानी क्या समस्या है? पानी की समस्या ये है, ऐसी भरा रहता है तालाब का, तालाब रास्ता बंद है सारा। अच्छा, ये रास्ता कहाँ का है? ये हाईवे का, पाकिस्तान मेन रास्ता गाँव का यही है। शिकायत करी आपने किसी से? बहुत शिकायत करी है। कुछ निस्तारण हुआ इसका? टीम आती है, देख के चली जाती है, कुछ नहीं कोई निस्तारण नहीं होता।